भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं सभी देशवासियों की अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। यह आज़ादी हमें वर्षों के संघर्ष के बाद मिली। यह आज़ादी अक्षुण रहे, जिन वीरों ने, जिन क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर यह आज़ादी हमें दिलाई, आज के दिन हम उनका भी स्मरण करें। आज हम स्मरण करें मंगल पांडे जी का, चंद्रशेखर आज़ाद का, अशफाकुल्ला का और ऐसे लाम अलाम ऐसे लोगों का जिनका इतिहास के पृष्ठों में नाम नहीं आ पाया बल्कि गुमनाम हो गए। ऐसे ऐसे हजारों गुमनाम लोगों का भी स्मरण करें, तभी यह आज़ादी का आज का महोत्सव निश्चित रूप से सार्थक होगा। पुनः शुभकामनाएं सबको। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ की सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे सभी वीरों को, सभी सेनानियों को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नमन करता हूं और सभी देशवासी, प्रदेशवासी और नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। नमस्कार। फर्स्ट पब्लिक स्कूल की ओर से आप समस्त देशवासियों को आज़ादी के महापर्व स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ आप सभी अपने घरों पर तिरंगा झंडा जरूर लगाएं और राष्ट्रहित और देश हित में सहयोगी बने। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी देशवासियों के लिए सादर वंदे मातरम। आप समस्त देशवासियों के लिए मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह स्वतंत्रता का पर्व आपके जीवन में उन्नति लाए, आप देश और समाज का ईमानदारी से निष्ठापूर्वक काम करते हुए देश के विकास में सहभागी बने, आपको पुनः स्वतंत्रता दिवस। सागर की मकरोनिया थाना पुलिस ने लूट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने फाइनेंस कंपनी कर्मचारी की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर 20,000 रुपए की लूट की थी। मामले में पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार फरियादी इंद्रपाल अहिरवार ने थाने में शिकायत की थी। जो तैयार करते हैं आने वाली पीढ़ियों को, उन्हें हमारा सलाम। देश के शिक्षकों के लिए खास ऑफर, 4,000 रुपए तक प्राइस बेनिफिट। सेंट्रल हीरो सागर। शिकायत में बताया कि मैं प्राइवेट कंपनी की कृष्णा नगर शाखा मकरोनिया में काम करता हूं। 12 अगस्त को बाइक से किस्तों की राशि लेकर लौट रहा था, तभी सिरुंजा डिपो के पास 3 बदमाश मिले। उन्होंने बाइक रोक ली, आंखों में मिर्ची पाउडर डाल दिया और चाकू अड़ाकर रुपयों से भरा बैग छीन कर भाग गए। बैग में 20,000 रुपए से अधिक पैसे व अन्य सामान था। शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया। जांच करते हुए संदेह के आधार पर आरोपी हरीश विश्वकर्मा को हिरासत में लिया गया। थाने लाकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी ने लूट की घटना करना स्वीकार किया, अपने 2 अन्य साथियों के नाम बताए, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी योगेश अहिरवार और करण पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात में उपयोग की गई बाइक चोरी की थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 12,700 रुपए नगद, बाइक, चाकू बरामद किया है। मैं बाबूपुरा से आ रहा था तो वहाँ पे 3 लड़के बैठे थे, तो यहाँ सिरोंजा पे आके उनने हमारा आँख में मिर्ची मारी और बैग छीन के भाग गए, जिसमें एक हरीश को पहचान लिया था। कितने रुपए थे आपके पास? 20,320 रुपये। ये आरोपी पकड़े गए, इसके पहले आप उनसे परिचित थे क्या? नहीं सर, वहीं पे मालूम चला कि वो हरीश था। आप क्या काम करते हैं? एक ग्रुप लोन का काम करते हैं। आपके ऑफिस कहाँ पर है? मकरोनिया पे है, शांति रेस्टोरेंट के यहाँ पे। ये 12 तारीख को, 12/8 को फरियादी हैं इंद्रपाल पिता गणपत अहिरवार के द्वारा थाने पर आकर के एक सूचना दी थी कि इनके साथ में एक SBN क्रेडिट कार्ड क्रेडिट लाइन में लिमिटेड में कंपनी में काम करते हैं, शाखा में कृष्णा नगर मकरोनिया में। तो इनके द्वारा सूचना दी थी कि बाबूपुरा से जब ये लौट रहे थे किस्त कलेक्शन करके, तो इनके साथ में फॉरेस्ट डिपो के पास में 2 व्यक्तियों के द्वारा मोटरसाइकिल से गाड़ी रोक करके, मिर्ची पाउडर मार के और छुरी का भय दिखा करके इनके साथ में जो एक 10 साथ में एक बैग छीन के ले गए थे, जिस बैग में इनका कुछ ज़रूरी सामान और 20,000 रुपये
थे जिसको आरोपी द्वारा लूटा गया था। रिपोर्ट पर अपन ने लूट की कायमी करके तस्दीक की गई थी। इस पे से आरोपी हरीश विश्वकर्मा को मेमोरेंडम कथन लेख करने पर पता चला कि इनके द्वारा और इनके दो अन्य आरोपी के द्वारा जो है घटना को वारदात को अंजाम दिया गया था। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और अपराध में जो एक मोटरसाइकिल जब्त हुई है आरोपी से, आरोपी के द्वारा से पुनः पूछताछ करने पर इनके द्वारा जो है जुलाई महीने में रंगोली गार्डन के पास से मोटरसाइकिल को चुराना स्वीकार किया है। तो एक अन्य मामले का भी खुलासा, चोरी का भी किया गया और लूट के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। टोटल चार आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और सभी से पृथक पृथक जब्तियाँ की गई। आज माननीय न्यायालय के समक्ष सभी चारों को पेश किया जाएगा। सर, आरोपियों में पुराने कोई संगीन अपराध भी हैं क्या? हाँ, आरोपी हरीश का संगीन अपराध में है, 302 में भी है, 304 बी का कन्वर्ट हुआ था। इसके अतिरिक्त रज्जन अहिरवार है जो चोरी में गिरफ्तारी हुई है, तो इनके भी पुराने आपराधिक रिकॉर्ड थाने में। जो तैयार करते हैं आने वाली पीढ़ियों को, उन्हें हमारा सलाम। देश के शिक्षकों के लिए खास ऑफर, 4000 रुपए तक प्राइस बेनिफिट। सेंट्रल हीरो सागर।